बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर के दस्तखान में तमाम देखने वालों को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जीकेडी रेसिपी में मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का मसाला करी की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े का बनता है और आसान रेसिपी है। तो चलें इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन टिक्का मसाला करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन ली है बोनलेस, और उसके थोड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा। इसके साथ ही मैं शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून दही के और 1/2 लेमन जूस, 1/2 बीज हम निकाल लेंगे। बस अब हम इसको मिक्स कर देंगे। चिकन में हमने तमाम मसाला बहुत अच्छे से लगा दिया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखूंगी, उसके बाद हम इसको पकाएंगे। 1/2 आवर हो चुका है जी, चिकन मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। पैन में ऑयल शामिल करेंगे 1/2 कप, चिकन की रख देंगे अब हम। तमाम रोटियां हमने फ्राई करने के लिए पैन में डाल दी हैं जी। अब हम इनको 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे, फिर हम इनको टर्न अराउंड करके दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं चिकन को फ्राई होते हुए। अब हम इनको पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। चिकन बहुत अच्छा पक गया है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से भी हम इसको इतना ही पकाएंगे। चिकन हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। दोनों तरफ से चिकन बहुत अच्छी पक चुकी है। अब इसी ऑयल में मैं शामिल कर दूंगी यहाँ पर 1 मीडियम साइज की प्याज थी, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे प्याज को भी। प्याज को हमने फ्राई कर लिया है जी। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है वो शामिल करेंगे। इसके साथ ही कुछ मसाले मैं शामिल करूंगी, जिसमें मैंने लिया है 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर एंड 1/4 टीस्पून हल्दी। बस अब हम मसाले को भूनेंगे 4-5 मिनट के लिए। 3-4 मिनट हो चुके हैं मसाले को भूनते हुए। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 3 टेबलस्पून योगर्ट के। आप चाहें तो इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे क्रीम के साथ थोड़ा हैवी लगता है चिकन, तो इसलिए मैं इसकी जगह पर योगर्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम मसाले को फिर से भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए, ताकि दही भी इसमें अच्छे से यकजान हो जाए। मसाला रेडी है। अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे जिसको हमने फ्राई किया था। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ, ताकि मसाला नीचे लगे नहीं। अब हम चिकन को ढक देंगे और धीमी आंच पर पकाएंगे इसको 4 से 5 मिनट के लिए। तो चिकन हमारी तैयार हो जाएगी। 5 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए, और देखिए कितना मज़े का चटपटी सी खुशबू आ रही है, और मज़ेदार हमारा चिकन टिक्का करी मसाला तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आज का मज़ेदार सा चटपटा चिकन टिक्का करी तैयार है। मैं इसको सर्व कर रही हूँ नान के साथ, रायते के साथ,
आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी थी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे आपसे एक और मज़ेदार, आसान और डिलीशियस रेसिपी के साथ। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।